है क्या क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इज एम्प्टी एंड थर्ड वन इज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी एंड द फोर्थ वन इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। बच्चों क्वेश्चन ये बोला जा रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर कोई एक या दो सेट तो है नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो चार क्वेश्चंस हैं और ये चार रिजल्ट हैं और चारों रिजल्ट को हमें इक्विवेलेंट बच्चों दिखाना है। इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को इक्विवेलेंट दिखाएंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट को इक्विवेलेंट दिखाएंगे, फिर फर्स्ट और फोर्थ रिजल्ट को इक्विवेलेंट दिखाएंगे। ये तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या मैंने बोला, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को इक्विवेलेंट दिखाएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब रिजल्ट दोनों तरफ से ट्रू हो। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को करेंगे और फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे। बच्चों अगर ये तीनों कंडीशंस हमने, ये जो तीन हमने आपको क्राइटेरिया बताया, ये तीनों अगर हमने प्रूफ कर दिया बच्चों, तो ये बताइए ये चारों जो रिजल्ट हैं ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं। जैसे आप याद करो ट्रिग्नोमेट्री में या ऐसे कई जगह पर ऐसे आपको इक्वेलिटीज मिलती थी जहां पे एक टर्म इक्वल्स टू दूसरा टर्म इक्वल्स टू तीसरा टर्म ऐसे मिलता था। तो हम करते क्या थे, पहले किसी एक मान लिया हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, और अगर ये दोनों इक्वल ये दोनों इक्वल तो ये तीनों इक्वल हो जाते थे कि नहीं। तो यहाँ पर उसी तरह से है, यहाँ पे चार रिजल्ट है बच्चों और चारों को हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को, मतलब फर्स्ट को हम वन बाई वन, फर्स्ट को वन बाई वन हम पहले सेकेंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को इक्विवेलेंट दिखाना है। फर्स्ट रिजल्ट है क्या, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दूसरा रिजल्ट है ए माइनस बी इक्वल्स टू फाइव, मतलब ए माइनस बी एम्प्टी होगा। तो करेंगे क्या, देखो ये हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, तो उसके लिए एक बार प्रूफ करेंगे वन इंप्लाइज टू, मतलब फर्स्ट आप लेकर चलोगे, मान लोगे रिजल्ट नंबर वन गिवेन है और रिजल्ट नंबर टू को प्रूफ करोगे, और फिर दूसरी बार क्या करोगे टू इंप्लाइज वन, फिर दूसरी बार क्या करेंगे कन्वर्स करेंगे, मतलब टू को मान लेंगे कि गिवेन है और वन को प्रूफ करेंगे, और इन दोनों को अगर हमने प्रूफ कर दिया, ये दो क्राइटेरिया प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं। एक बार फर्स्ट से सेकंड को प्रूफ करना, एक बार सेकंड से फर्स्ट को प्रूफ करना, है ना। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्या, रिजल्ट नंबर वन हमारे लिए गिवन है और रिजल्ट नंबर टू हमें प्रूफ करना है, मतलब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं स्टेटमेंट वन या रिजल्ट वन इंप्लाइज रिजल्ट टू। मतलब हमारे लिए गिवन क्या है, यहां पर गिवन है A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमारे लिए बच्चों क्या है गिवेन है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है A माइनस B क्या होगा बच्चों एम्प्टी होगा। ठीक है, तो चलिए जो अब ये प्रूफ करना है A माइनस B एम्प्टी होगा, तो चलिए प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, लिखा हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या लिखा हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो आप करिए क्या, मान लीजिए कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, x कोई एलिमेंट है, लेट x बिलोंग्स टू a। अच्छा बच्चों ये बताइएगा, अगर x a में बिलोंग, a b का सबसेट है, और वेन डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करें, तो ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, और ये a है ये b है, और इसमें जो है एलिमेंट हो गया मान लो x,
अगर ए बी का सबसेट है और एक्स, अगर आप कोई एलिमेंट सेट ए का ले रहे हो तो वो बी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? है ना, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो विवेक नहीं है क्या? हाँ, वो दो दिन से क्लास नहीं ले रहा है क्यों? अच्छा चलो खैर, अच्छा चलो खैर। तो देखिए बच्चों, गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि वेन डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। तो ये बताइए, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं क्या, दिस विल इंप्लाइज दैट एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, रीजन लिखेंगे एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? अब बताइए, x a में लेके चल रहे थे और x को हमने दिखा दिया कि वो b में भी होगा, क्यों? क्योंकि a जो है वो सेट b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट, a में कोई भी एलिमेंट आप लोगे वो b में होगा कि नहीं? तो यानी x जो है वो b में चला गया। अच्छा, अगर b में चला गया तो x अगर a का एलिमेंट है और वो b में चला गया तो ये बताइए a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी, कहने का मतलब देयरफोर इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तो, अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तो a माइनस बी वो क्या आएगा? नॉन एम्प्टी आएगा, है ना। लेकिन यहां पर ये बताइए, अगर x b में बिलोंग करेगा तो क्या a माइनस बी नॉन एम्प्टी कभी आएगा? अभी नहीं समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से। ऐसे एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करिए, एक सेट बच्चों b है और उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट a है उसमें एलिमेंट क्या क्या है? 2, 3। अब पहले ये बताइए, सेट a सेट b का सबसेट है कि नहीं? यहां पे है। अब आपसे हम ये पूछे यहां पर कि a माइनस बी बताओ, क्या बताओगे? वन नहीं आएगा, एम्प्टी होगा। वन कब होता जब मैं पूछता, वन कब होता जब मैं पूछता b माइनस a, है ना। यहां पर a माइनस बी क्या है? एम्प्टी है। और ये क्यों एम्प्टी आया? क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट, हाँ, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है यहां पर क्या है? बी का सबसेट है। अब इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए, अगर एक्स जो है बी में हो गया तो क्या ए माइनस बी में कोई एलिमेंट आएगा? a माइनस बी एम्प्टी, यहां पर a माइनस बी करोगे तो एम्प्टी आएगा कि नहीं? क्योंकि a के सारे एलिमेंट, जितने भी a के एलिमेंट होंगे वो तो b से हट जाएंगे, a का सारे एलिमेंट b में तो होंगे ही ना। तो यहां पर आप ये कंडीशन लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a हमने लेके चला तो ये इंप्लाई करेगा कि x b में होगा। क्यों b में होगा? क्योंकि हमें दिया हुआ है a जो है वो b का सबसेट है, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट जितने भी होंगे वो b में भी बिलोंग करेंगे, इसलिए यहां पर हमने लिखा x belongs to b। अब हमें मिल गया कि x a में भी है, x b में भी है, a b का सबसेट है। तो जब a माइनस b करेंगे बच्चों, a माइनस b करेंगे तो हमको वहां पर कैसा सेट मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। क्लियरली, क्लियरली a माइनस बी इज एम्प्टी। कहने का मतलब, ये तो रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दिया, अगर ये जो ब्रैकेट में कर रहा हूं अभी, अगर x b में बिलोंग ना करता, अगर x b में बिलोंग ना करता तो a माइनस बी कभी भी एम्प्टी ना आता। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो यहां पर ये जो अभी एग्जांपल लिए, यहां पे मैंने एक टर्म और लिख दिया 4, यहां पे मैंने एक टर्म और लिख दिया 4, अब बताइए, अब a माइनस बी एम्प्टी आएगा?
अब यहां पर a माइनस बी में क्या आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं, है ना। तो वो ये जो ब्रैकेट में अभी ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये कंट्राडिक्टरी पार्ट लिखा हूं कि अगर x b में ना होता तो a माइनस बी कभी भी एम्प्टी ना होता, जैसा कि आप ये देख रहे हो ये एग्जांपल के थ्रू। तो 1 implies 2 प्रूफ हुआ कि नहीं, किसी को कोई डाउट? रफ कर दें। अब देखिए इसका बच्चों हाँ बोलो, बेटा ये स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे कितना आप वेन डायग्राम से गलत तो नहीं होगा, अब डिपेंड करता है वो एग्जामिनर पे स्टेप मार्किंग कैसे रहती है, गलत तो नहीं होगा, बट आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से आप भागो नहीं, आपको वो भी करना है बेटा। तो चलिए अभी हमने प्रूफ किया 1 implies 2, अब क्या प्रूफ करेंगे? यस, 2 implies 1, मतलब गिवन हमारे लिए अभी क्या है, हमारे लिए गिवन है a माइनस बी इज एम्प्टी, यही तो है ना, क्यों बच्चों यही है ना। अब a माइनस बी एम्प्टी है तो अब हमें प्रूफ करना है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यही तो प्रूफ करना है ना, a माइनस बी एम्प्टी है तो क्या प्रूफ करना है, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो देखिए लेट x बिलोंग्स टू a, हमने क्या लिखा, लेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, और ये रिजल्ट अगर प्रूफ करना है और हमने x a में ले लिया, कहां पर x को पहुंचा दें तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा बच्चों? हाँ वेरी गुड, x को अगर b में पहुंचा दो तो ये प्रूफ हो जाएगा, a इज द सबसेट ऑफ b, तो लेट x बिलोंग्स टू a। अच्छा x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो लेट x बिलोंग्स टू a, तो यहां से बच्चों क्या लिखेंगे, क्लियरली x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b, क्यों, बिकॉज भाई दो ही सिचुएशन है, x मान लो a में, ये तो हमने माना है x a में बिलोंग कर रहा है, अब b के बारे में हम दो बातें कह सकते हैं, क्या, या तो x b में बिलोंग करेगा या तो x b में बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए हमने लिखा क्या, क्लियरली x बिलोंग्स टू b, अगर x b में बिलोंग ना करेगा तो क्या दिक्कत आएगी, बिकॉज इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तो देन a माइनस बी जो है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर अगर x, देखो x बिलोंग्स टू a ठीक है, हमको x को b में पहुंचाना है, हमने सीधा सीधा लिख दिया क्लियरली x बिलोंग्स टू b, रीजन देना पड़ेगा भाई, आपके पास यही दो क्वेश्चन रहेगा कि सर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने ये अब इसका बताया कि चलो आप मान लो कि x b में बिलोंग नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए, तो अगर x बिलोंग नहीं करेगा b में तो ये जो गिवन है बच्चों, ये जो गिवन है कि a माइनस बी क्या है, एम्प्टी है, तो अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तो a माइनस बी कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जो है, बिकॉज इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x a माइनस बी नेवर बी एम्प्टी सेट। तो क्लियरली अब आपने x को b में पहुंचा दिया, तो यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट a इज अ सबसेट ऑफ b, एंड हेंस वी कैन से दैट रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 बोथ आर इक्विवेलेंट। समझ में आया, जो गिवन है, ध्यान बस इतना रखना है, जो गिवन है उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कंडीशन गिवन है उसका क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। और जो प्रूफ करना है उसी प्रूफ करते समय वो गिवन वाली कंडीशन का यूज हम लोग करते हैं। खैर अब बढ़ते हैं, अब सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए,
अब क्या करना है बच्चों? वेरी गुड, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूफ करना है। बस एक सेकंड बच्चों, इंक डाल लें, कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूफ करते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है? थर्ड रिजल्ट क्या? अच्छा चलिए करते हैं। बच्चों अब क्या करना है, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 3 को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। उसके लिए दो कंडीशन, एक बार 1 से 3 प्रूफ करेंगे और एक बार 3 से 1 को प्रूफ करेंगे। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है, रिजल्ट नंबर 1 से रिजल्ट नंबर 3 को प्रूफ करना है। क्लियर है? और अगर ये प्रूफ कर रहे हैं तो हमारे लिए गिवन क्या है बच्चों? गिवन है रिजल्ट नंबर 1, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है और ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो चलिए करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो एक बार ए यूनियन, अच्छा ये बताइए ये प्रूफ करना है, हाँ देखो A यूनियन B इक्वल्स टू B प्रूफ करना है तो इसके लिए बच्चों इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक बार प्रूफ करें A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B और एक बार प्रूफ करें B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। जब ये दो कंडीशन प्रूफ करेंगे तभी तो हम कह पाएंगे कि A यूनियन B इक्वल्स टू B। क्यों है ना? तो हम सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, इसको मतलब लेट X belongs to A union B। अब X को हम कहां पहुंचा दें तो सबसेट हो जाए, बताइए। X को हम B पे अगर पहुंचा दें तो A union B इसका सबसेट हो जाएगा कि नहीं? हाँ X, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B। उसके लिए हमने यहाँ पर एलिमेंट बिलोंग करा दिया X। अब इस X को हम पहुंचा कहाँ पे दें, टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इस X को यहाँ पर हम पहुंचा दें तो ये A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए हमने, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो बट हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आप और सिंप्लीफाई तरीके से करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से बच्चों, अगर x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है तो हमें मिलेगा क्या, x आइदर बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। दो केस मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे दो केस मिल जाएगा, x या तो a में बिलोंग करेगा, x या तो b में बिलोंग करेगा। अब देखिए दो केस है, when x belongs to a, पहला केस जब x a में बिलोंग करेगा। हमको एक्चुअल में x को पहुंचाना कहां पे है, b पे है। तो ये बताइए अगर x a में बिलोंग करेगा then x also belongs to b। अच्छा हमने लिख दिया कि x अगर a में है तो वो b में होगा, क्यों होगा कोई बताए? हाँ बिल्कुल 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 सही आप लोग जा रहे हो। मैंने कहा भी था कि जो गिवन है वो बहुत मदद करता है प्रूविंग में। तो x belongs to b अगर हमने लिखा, रीजन क्या है, as a is a subset of b, मतलब अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो b में भी होगा क्योंकि a b का सबसेट है। तो देखिए x a में था तो x को हमने b में पहुंचा दिया। और दूसरा केस लेते हैं बच्चों, दूसरे केस में तो कुछ आपको करना ही नहीं है। ये बताइए यहां से पहला केस अभी लिए जब x belongs to a और दूसरा केस जब लोगे x belongs to b, ये तो खुद ही है x belongs to b। अब इसमें आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, करना है क्या कुछ इसमें?
तो देखिए दोनों ही केस से, चाहे आप केस फर्स्ट देखिए चाहे आप केस सेकंड देखिए, दोनों ही केस में एक्स को हमने बी में पहुंचा दिया कि नहीं, जो हमारा टारगेट था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर वन। कोई दिक्कत? थोड़ा सा बच्चों लंबा जाएगा, हम समझ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा इतना लंबा लंबा क्यों फालतू में कर रहे हैं, बट बच्चों इससे आप अगर ऐसा करोगे तो कुछ सीखोगे लिखने का तरीका। ये मैथमेटिक्स नोटेशंस के फॉर्म में प्रूफ होते हैं और ये लिखने का तरीका आपको बताता है। आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे और ये सब आपको समझ में अगर नहीं आएगा, इसकी हैबिट आप नहीं डालोगे, तो मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत आएगी बच्चों आपको समझने में आगे चलकर। 11, 12 तो निकाल लोगे, मैं भी चाहूं तो बहुत आसानी तरीके से केवल एग्जाम्पल एग्जाम्पल से प्रूफ करा दूं, बट आपको ये सीखना चाहिए। ओके, तो हमने ये दिखा दिया ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी और क्या दिखाना है? अभी दिखाना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये दिखाना है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। मान लीजिए बच्चों, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक्स को, ये देखिए हमने यहां पे मान लिया एक्स बिलोंग कर रहा है, अब हमको एक्स को पहुंचाना कहां पे है बच्चों? A यूनियन B पे। तो ये बताइए सीधा सीधा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, X belongs to B लिखा हुआ है और ये बोला जा रहा है कि B जो है, जो B है वो सुपरसेट है A का, मतलब A is a subset of B। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं X either belongs to A और X belongs to B। थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, ये A है ये B है और बोला जा रहा है A is a subset of B। अब कोई एलिमेंट बच्चों आप ले रहे हो वो कहां पे बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो ये बताइए अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है तो पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि वो ए में बिलोंग करेगा, बट ऑप्शन है कि नहीं, वो ए में बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ना। तो हमने क्या लिखा, अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो यहां से वेन डायग्राम से समझो, अगर x b में बिलोंग कर रहा है, मान लो वो x अगर यहां पे हुआ a के बाहर, तो ये रिजल्ट हमने आगे क्या लिखा, x either belongs to a और x belongs to b। जैसे इस सिचुएशन में x a में नहीं बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, इसी तरह से अगर यहां पे कर दें तो इस समय x कहां पे बिलोंग कर रहा है, a पे कर रहा है कि नहीं, है ना। तो कोई एलिमेंट अगर सेट B में है तो वो, और A B का सबसेट है, क्या है, A B का सबसेट है, इसलिए हम यहां पर ये स्टेटमेंट लिख पाए कि X या तो A में होगा या तो B में होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा X belongs to A union B, this will implies that B is a subset of A union B। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। बाई वन एंड टू, रिजल्ट नंबर वन और रिजल्ट नंबर टू को जब आप लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। समझ में आया? तो ये बच्चों प्रूफ हुआ 1 implies 3। ये क्या प्रूफ हुआ, 1 implies 3। अब बच्चों क्या प्रूफ करना है, 3 implies 1। बहुत आसान है, छोटा है, उसको तुरंत देखिए क्या प्रूफ करना है, 3 implies 1। 3 implies 1 बच्चों प्रूफ करना है, और 3 क्या है, गिवन है ए यूनियन बी इज बी, ये बच्चों गिवन है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहां पर ये प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, तो मान लीजिए ए में एक एलिमेंट हम बिलोंग करा दे रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है,
x belongs to A, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं क्या, x belongs to A union B, x belongs to A union B, क्यों लिख सकते हैं, as A union B is a subset of A, है कि नहीं, A union B, sorry, A is a उल्टा लिख दिए, A is a subset of A union B, जो बच्चों A है वो A union B का सबसेट है या नहीं पहले बताइए, मान लो A union मतलब दो सेट A और B, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, तो A union B पूरा सेट होगा कि नहीं, A union B यहां पर ये होगा और A union B यहां पर ये होगा, तो A जो है सेट A जो है वो A union B का सबसेट होगा कि नहीं, है ना, तो अगर कोई एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर सबसेट में, जैसे वही बात हो गई कि अगर A में बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B में तो बिलोंग करेगा ही, अगर A में बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, A यूनियन B यहां पर क्या है, यहां पर A यूनियन B B ही तो है, वेन डायग्राम से देखिए, A यूनियन B यहां पर B ही तो है, क्यों बच्चों, है ना, तो हमने क्या लिखा कि अगर x a में बिलोंग करेगा तो x a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, जो a है ये वेन डायग्राम ये वाला देखिए, a जो है वो a यूनियन b का सबसेट है, a यूनियन b यहां पर देखिए किसके बराबर, गिवन है कि नहीं, a यूनियन b इक्वल्स टू b, तो A यूनियन B यहां पर B के बराबर है, अगर कोई एलिमेंट आप A में ले रहे हो, कोई एलिमेंट अगर आप A में ले रहे हो तो वो एलिमेंट A यूनियन B में भी होगा, क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ, अब अगर X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में तो यहां से आपको क्या मिलेगा, X बिलोंग्स टू A और x belongs to b, x belongs to a से हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो तो लेके ही चल रहे हो, दूसरा क्या है, यहां से क्या मिल गया, x belongs to b, अब देखिए x a में माने थे और x कहां पर पहुंचा दिए, b में पहुंचा दिए, तो ये प्रूफ हो गया a is a subset of b, तो therefore result number 1 and result number 3 are equivalent, समझ में आया बच्चों, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 3 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, बोलो बच्चों, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, बताओ क्यों बच्चों, बोलो, हाँ हम कह रहे हैं कोई समस्या होगी, अब होगी भी तो क्या कर लोगे, है अब क्या प्रूफ करना है, वन इंप्लाइज फोर, बिल्कुल सही बात है, वन इक्विवेलेंट टू फोर, इसके लिए भी दो स्टेप, एक बार क्या वन इंप्लाइज फोर प्रूफ करेंगे और एक बार फोर इंप्लाइज वन, वन क्या है गिवन यहां पर, क्या है बच्चों यहां पे गिवन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हमारे लिए गिवन है, और फोर यानी कि ये हमें प्रूफ करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो इसके लिए फिर ये वही काम थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक बार प्रूफ करेंगे A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, एक बार प्रूफ करेंगे A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है, ठीक है, ये आप लोग करिएगा और ये दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, तो 1 इंप्लाइज 4 प्रूफ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 4 इंप्लाइज 1 प्रूफ करेंगे, जब बच्चों 4 इंप्लाइज 1 प्रूफ करोगे मतलब यहां पर 4 कंडीशन आपको गिवन है,
और प्रूफ करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या करोगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब बच्चों आपका टारगेट क्या होगा, एक्स को कहां पे पहुंचाना है, बी में पहुंचाना है ना। तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ए को आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, पहुंचा दिया कि नहीं एक्स को बी में, तो 4 implies 1 मैंने प्रूफ कर दिया है। आपको केवल 1 implies 4 प्रूफ करना है, ये दोनों कंडीशन हो जाएगा। तो यही सबसे लेंदी क्वेश्चन था बच्चों। अब आगे जो है एक दो और प्रूविंग वाले कल के लेक्चर में करेंगे और फिर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। आप लोग लगाइएगा आगे क्वेश्चंस, ठीक है। बस अब मेन प्रूविंग वाले खत्म हो चुके हैं, आगे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, कल उस पर डिस्कस करेंगे।